तो क्या खासियत है सर आपकी पूरी में जो इतनी फूली फूली और क्रिस्पी है? सर ये तो ऐसे ही मैदा और आटे की बनी होती पूरी और बीच में पीठी लगी होती है, जिसको आटिया बनाने का सिर्फ कारीगर हम आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, कोई कारीगर नहीं हमने रखा हुआ। मतलब आज ये आर्ट का ही सारा है, जो आर्ट का ही है, स्पिनस उसमें आया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बिल्कुल गोल कपड़े जैसे आप तैयार करते हैं। हाँ जी हाँ जी सर, ये सब आर्ट का ही है। तो आप मसाले वगैरह में बताइए, कहाँ से मसाले आप परचेज करते हैं? हम मसाले अपनी मजीद मंडी से लाते हैं सारे, आप खुद तैयार कराते हैं, खुद मशीन पर जाके पिसाते हैं और अपने छोले को तैयार ऐसे करते हैं जैसे हम आप घर पे ही खा रहे हैं वैसे तैयार होते हैं हमारे। मतलब घर जैसे आप चने जो है तैयार करते हैं घर जैसे, और सारा सौदा है जो देसी घी में, देसी घी में प्रिपरेशन पूरी देसी घी में है ना, हम कोई डांडा यूज़ करते हैं ना कोई वनस्पति घी यूज़ करते हैं, कोई काम दूसरा नहीं करते, प्योर देसी घी का काम। और आपका ये एरिया कौन सा फेमस पड़ता है? सर पासेला चौक बम्बे का खूँ नियर केसर का डब्बा। हाँ जी, और नियर है केसर का, नियर केसर का डब्बा नज़दीक ज़्यादा पड़ता है टुंबा भाई सालो गुरुद्वारा। ओके, तो भाई इस पहले हम लेते हैं कस्टमर रिव्यू। तो हमारे साथ है हरी कपूर जी, तो नमस्ते सर। सर कितनी देर से आप यहाँ पर आप पूरी चटनी ट्राई करते आ रहे हो? कई साल बीत गए, जवानों बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, जवान से आप बूढ़े हो गए हैं, तब से आप इस दुकान पर आ पा रहे हैं। तो क्या इनकी स्पेशलिटी लगती है खाने में? बिल्कुल साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा है ये चटनी। मतलब मिर्च वगैरह चने में मैंने देखा है बिल्कुल मतलब नहीं है, पूरा सही जरा पंजाबी टेस्ट है वो टेस्ट है। मतलब सो गाइस काफ़ी फेमस है सुरेंद्र जी अपने पूरी चने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज हम आपको लेके आए हैं बड़ी ही अमृतसर के फेमस पूड़ी चने खिलाने, जो कि सुरेंद्र जी काफ़ी फेमस हैं पूड़ी चने के लिए अपने अमृतसर में। जो उनका जो एड्रेस पड़ता है वो पड़ता है बम्बे वाला खूँ। तो इनको 36 साल हो गए हैं दुकान चलाते हुए, देसी घी से सारा ये प्रिपेयरिंग करते हैं और इनकी जो पूड़ी चने है काफ़ी फेमस है, दूर दूर से लोग जो हैं इनके ट्राई करने आते हैं। तो और भी वैरायटी बनाते हैं, तो चलो चलिए हम अब भैया से बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या इन्होंने वैरायटी बनाई हुई है। हमारे साथ हैं रोहित भैया जो दुकान के ओनर हैं। तो सबसे पहले नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। तो भैया बताइए आपकी कितनी पुरानी दुकान है? सर हमारी दुकान 84 की है, दुकान है 1984 की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ पे सब फेमस फेमस दुकान है इस एरिया में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देसी घी की पूरी चने बेचते हैं हम लोग डेली। देसी घी का आपका फेमस है पूरी चने? पूरी चने। तो भाई देसी घी के पूरी चने ये सेल करते हैं और टोटल इनको 36 से 37 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में। तो बहुत ही बढ़िया यूनिक फ्लेवर है, काफ़ी ये वैरायटी बनाते हैं। और भैया पूरी चने के अलावा और आपका क्या बनाते हो शाम के इवनिंग स्नैक्स वगैरह? इवनिंग में हम देते हैं समोसे, लड्डू मूंगी दाल के जो सब्जी बनती है, लड्डू मूंगरा
सेवियाँ होती है नमकीन, ठीक है जी, शाम को साथ में मिठाई चलती है, साथ में मिठाई भी चलती है। हाँ जी, सारी देसी घी का काम है, प्योर देसी घी का। तो प्योर देसी घी में दोस्तों ये स्नैक्स वगैरह भी तैयार करते हैं, वो इवनिंग टाइम में मिलता है और काफ़ी पुराने हैं इस काम में, ये बिल्कुल ये मतलब परफेक्ट ये अपने कारीगर हैं। तो भैया आपने क्या क्या बनाया हुआ है साथ में ये बताइए। सर हलवा है ये, सूजी का हलवा, खंड में चीनी वाला है ये। अच्छा, चीनी वाला है और सूजी वाला है। गर्मी में ये चलता है, सर्दी में हम गुड़ वाला बनाते हैं। गुड़ वाला बनाते हैं, हाँ जी, ठीक है जी। और ये आगे आलू, आपके प्लेन आलू होते हैं ये। ये आलू प्लेन होते हैं, ये प्लेन आलू होते हैं, ये चने आगे, हाँ ये चने हो गए। चने के बारे में बताइए क्या क्या इसमें मसाले वगैरह डालते हो। ये चने जो होते हैं ये हमारे स्पेशल चने हैं, इसमें हम अपने पीसे हुए मसाले डलवाते हैं, बिहार से कोई मसाला नहीं आता। अच्छा, बिहार से कोई मसाला नहीं आता। इसमें अदरक लहसुन प्याज का तड़का लगा हुआ है, देसी घी के बने हुए हैं प्योर। ठीक है जी, ठीक है। इसमें हम अपने मसाले तैयार कराते हैं, बाजार से कुछ भी नहीं लेते। ठीक है, साथ में ये आलू हो गए, ये आलू की सब्जी होगी, ये लौंजी होगी खट्टी मीठी, थोड़ी सी लौंजी आपने तैयार। हाँ जी, हाँ जी, ये लौंजी खट्टी मीठी, इसमें इसमें इमली सौंफ मेथरे लगे हुए, तड़का लगा होगा और चीनी डली होती है। चीनी डली होती है, हाँ जी। ये आगे अपने प्याज सिरके वाले, सिरके वाले प्याज, खट्टा मीठा प्याज होता है ये। और मैं ये देख रहा हूँ आपने ये अचार वगैरह रखा हुआ है, अंबी का अचार होता है ये, अंबी का अचार, ये अंबी का अचार आजकल सीजन में, हाँ जी, सीजन में अंबी होती है। ठीक है जी। भैया क्या कॉस्ट रखी हुई है आपने अपने पूरे चने की? सर पैकिंग 20 रुपीज, ओके, अंदर प्लेट 45 की है। 45 की प्लेट है, हाँ जी, ठीक है जी। तो सोगाई काफ़ी चीपेस्ट रेट है, मतलब ज़्यादा नहीं है, और भी देसी तैयार करते हैं। तो ठीक है भैया, फिर हमारे लिए भी आप एक प्लेट तैयार कर दीजिए। तो गाइस लगा दी है भैया ने हमारे लिए पूरी चने की प्लेट, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको इनके चने के बारे में बताऊंगा, देखिए चने का जो साइज़ है ना, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, बड़ा साइज है और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। भैया बता रहे थे भी हम खुद मसाले वगैरह लेकर उसको खुद ग्राइंड करवाते हैं। तो गाइस ये इन्होंने अपने जो ऑथेंटिक चने दिए हैं पूड़ी के साथ, ये दी उन्होंने अपने जो आलू की सब्ज़ी है वो दी है, और साथ में अंबी का अचार दिया है और सिरके वाले प्याज दिए हैं, और पूड़ी दी है इन्होंने। पूड़ी काफ़ी मीडियम साइज है, ना कि ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं है, और इसमें जो फिलिंग की हुई है वो माँ की दाल की, उड़द की दाल की इन्होंने की हुई है, और टोटल इसका प्राइस है 45 रुपीज़। तो सो गाइस खुशबू तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब आ रही है। तो चलिए पहले मैं आपको जो चने का ही टेस्ट आपको बताता हूँ, चने कैसे इनके बने हुए हैं। तो ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये, देखिए जैसे घर में हमने चने तैयार किए होते हैं। ओह बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं भैया ने यूज़ किए हुए हैं, नॉर्मल है, बच्चा भी बड़े आराम से खा सकता है। तो चलिए गाइस लेते हैं हम बाइट इनकी पूड़ी चने की। तो बम्बे वाला कुआं काफ़ी फेमस है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, केसर ढाबा जब आप आओगे तो उसको क्रॉस करोगे तो सुरेंद्र, आप किसी भी पूछ सकते हो सुरेंद्र पूड़ी चने वाले कहाँ पर हैं, तो आपको बड़े आराम से ये इनकी दुकान पर आपको ले जाएंगे। तो देखिए गाइस मैंने लगाए चने, और थोड़ा सा मैं इसमें अंबी का लगाता हूँ चार, अमेजिंग, सो गुड, बिल्कुल घर जैसा ही स्वाद है, बिल्कुल सिंपल सिंपल पूरी चने हैं, कोई इसमें ताम जाम नहीं किया हुआ, कोई रंग नहीं, कलर वगैरह नहीं यूज़ किया हुआ। तो सो गाइस बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिए।